मेलिनी को डॉल्स इतनी पसंद हैं कि उसने उनके लिए पूरा शहर ही बना दिया। यहाँ बार्बी और केन रह सकते हैं और प्यार कर सकते हैं। अब उन्हें शेल्फ पर या किसी बॉक्स में नहीं सोना पड़ेगा, ये पूरा शहर उनका है। वो वॉक पर जाकर आसपास की जगह देख सकते हैं। केन, अपनी गर्लफ्रेंड को एंटरटेन करना कैसा रहेगा? मुझे ये नहीं चाहिए था। मेलिनी के पास कुछ अलग प्लान है। बिना दरवाजों का रूम, वो बाहर कैसे निकलेगा? केन को गुस्सा आ रहा है कि उसकी डेट खराब हो गई है, उसे पार्क में वापस जाना है। मेलिनी बाहर जाने का रास्ता बनाना भूल गई थी। ये रहा दरवाजा। पूल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। बार्बी इसके लिए बिल्कुल खुश नहीं है, उसे ठंड लग जाएगी। फर वाला कोट, सच में अब उसके पैर ठंडे हैं और उसकी बॉडी बहुत गर्म है। लगता है तूफान आने वाला है। केन, क्या हुआ? शानदार स्विम ट्रंक्स है। मेलिनी को लड़कों के कपड़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या आप बार्बी को खुश करने के लिए कपड़े चुनने में इसकी मदद करेंगे? केन अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर पार्क में ले जा रहा है। ये आइसक्रीम। केन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेने आया है, लेकिन मेलिनी उसे पैसे देना भूल गई। वो बिना आइसक्रीम लिए वापस नहीं जा सकता, उसे गलत काम करना होगा। आइसक्रीम मैन काम करते हुए सो रहा है। केन उसे जॉब परफॉर्मेंस के लिए सबक सिखाएगा, या शायद ये कोई रोबोट है। और आइसक्रीम बिल्कुल फ्री है। इसके लिए शुक्रिया मेलिनी, और आइसक्रीम के लिए भी। ओह, आइसक्रीम भी सिर्फ एक टॉय है। कॉटन कैंडी बिल्कुल मीठी नहीं है। तो अब हम कैफे जाएंगे। ये हमारी पहली डेट है। केन थोड़ा घबरा रहा है और वेटर अभी तक नहीं आया। ओह, शेरिफ वुडी, उसे यहाँ से निकाल दिया है। उन्होंने बहुत सारी कॉटन कैंडी खा ली है। केन को कुछ करना होगा। ये उसका खास मिल्क शेक है। एलओएल डॉल्स ने इसे रेसिपी सिखाई है और उनके मिल्क शेक हमेशा सब लड़कों को अपनी तरफ ले आते हैं। केन बहुत बढ़िया कुक है। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जिन्हें खाना बनाना आता है। ये तैयार है। बार्बी से इसे टेस्ट करने के लिए रुका नहीं जा रहा। कितना अच्छा लगता है ना, जब आपका बॉयफ्रेंड आपका ध्यान रखता हो। चलो इसे खा कर देखें। केन बहुत खुश है। ओह, हमारे कैफे में लेगो गाय है, हम इससे दूर रहेंगे। एक बार उसने मेलिनी से लड़ाई की थी और वो जीत था। लगता है अब ये केन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केन सबसे प्यार करता है, लड़ाई नहीं करता। और आज उसे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। ये सब इस छोटी लड़की की वजह से है जो उसे कंट्रोल कर रही है। उसने उसके लिए सारे गंदे काम किए हैं। हे, क्या हो रहा है? मेलिनी क्राफ्ट बना रही है या फिर सिर्फ टाइम पास कर रही है? उसने ये घर सिर्फ बार्बी के लिए बनाया है। घर में स्वागत है, चलो इसे सजाएं। ऐसा लग रहा है ये अपनी डॉल का मन कर सकती है। शानदार है। अब बार्बी मसाज कराएगी। मैस्यूज कहाँ है? ये रहा। लेकिन इसे अच्छी तरह मसाज करनी नहीं आती। बार्बी को उसे कंप्लेंट करवानी है। क्या ये मिट्टी है? क्यूकम्बर्स बहुत बड़ा है। okay. अब ठीक है। केन उदास लग रहा है। क्या हुआ? उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मेलिनी उन्हें देख रही है और कंट्रोल कर रही है। वो छुपना चाहता है। बार्बी केन के साथ कहीं भी चली जाएगी। चलो इस प्रिजन को तोड़ें। मेलिनी ने ये शहर उनके छुपने के लिए नहीं बनाया। उसे उन्हें सबक सिखाना होगा। तुम मेरी डॉल्स हो और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। बार्बी को अब यहाँ अच्छा लग रहा है। केन बहुत ख्याल रखने वाला बॉयफ्रेंड है और बार्बी को उसकी ये बात अच्छी लगती है। रुको, क्या केन ने लिपस्टिक लगाई हुई है और ड्रेस पहनी हुई है? मेलिनी, क्या तुम्हें हमें कुछ बताना है? ये बहुत बकवास है। क्या केन को मेकओवर कराना था? बस बार्बी खुश होनी चाहिए। हेलो, ये रोबोट आइसक्रीम सेल्समैन है। बार्बी बहुत बड़ी मुसीबत में है। SOS, मदद करो। ये किसने किया? मेलिनी ने। वो डॉल को स्लाइड के बेस की तरह इस्तेमाल करेगी। केन अपनी मुसीबत कम करने के लिए यहाँ खड़ा है। मेलिनी घर फेंकने वाली थी
और वो उन डॉल्स के बारे में भूल गई थी जो उस घर में थे। अचानक से भूकंप आ गया। हे मेलेनी, क्या तुम कुछ भूल रही हो? लगता है उसे बार्बी और केन पसंद नहीं है। तुम अपने टॉयज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पार्क में वॉक करने जाएंगे तो इस बारे में भूल जाएंगे। चलो कचरे की बदबू हटाएं। मेलेनी के पास उनके लिए सरप्राइज है, नया बेंच। केन को ये जल्दी से ट्राई करना है। ये बहुत बोल्ड है। एक बार वो क्रोकोडाइल के मुंह में चला गया था। टॉय क्रोकोडाइल, इसने जल्दबाजी कर दी और अब इसे पता है कि पेंट अभी नहीं सूखा था। बेंच पर बैठकर उठना अच्छा नहीं लगता जितना पिकनिक ब्लैंकेट पर लगता है, लेकिन बस ऐसा लग रहा है कि ये पिकनिक है। केन अभी भी बार्बी के साथ छुपने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आजाद जिंदगी जी सके। डॉल्स अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है मेलेनी उन्हें नहीं पकड़ेगी। उसने उन्हें पकड़ लिया, वो फिर से नहीं छुप पाए। बस हार मत मानना। मेलेनी बहुत परेशान करती है। उसने गम गिरा दी और केन ने उस पर पैर रख दिया। हे, ध्यान से चला करो और गिरा मत करो। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिरने से शर्म आती है तो उसने नाटक करना शुरू कर दिया कि वो वर्कआउट कर रहा है। एक और भूकंप, पक्का मेलेनी डांस कर रही होगी। क्रीचर उसकी तरह नहीं दिख रहा या दिख रहा है। डॉल्स ने कभी हैमस्टर नहीं देखा और वो डर गए। आपके लिए एक प्यारा फ्लफी छोटा एनिमल है, लेकिन उनके लिए ये बड़ा और बहुत सारे बालों वाला मॉन्स्टर है। उन्हें डर लग रहा है। चलो मॉन्स्टर को कुछ खिलाएं ताकि वो हमें अकेला छोड़ दे। ये मेलेनी का मन पसंद हैमस्टर है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये डॉल्स वाले घर में नहीं गया। उसके पास अपना केज है जिसमें किचन, ऑफिस और वाईफाई तीनों है। मेलेनी की डॉल्स भी अच्छी तरह से नहीं रहती। वो हर जगह खाने के पैकेजेस छोड़ देते हैं और वो कभी सफाई नहीं करते। अब इनका घर डस्टबिन जैसा लगने लगा है। मेलेनी को इनके पूरे शहर को साफ करना होगा। वैक्यूम क्लीनर से सफाई जल्दी हो जाएगी। कस के पकड़ो, नहीं तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी। हे, क्या तुम पहले नहीं बता सकते थे? बार्बी ऐसे नहीं रह पाएगी। केन को तैयार होना होगा। बार्बी बहुत खुश है। उसे लगने लगा था कि वो अब कभी नहीं आएगा। केन ने कभी नहीं सोचा था कि ये वापस आएगा। वो बार्बी के लिए फ्लावर्स भी लेकर आया है। वो पक्का इससे सच में प्यार करता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई केन सैलेड के बिल्कुल सामने? ये बहुत गलत है। केन, इसका सिर हटाओ। बार्बी इसे ऐसे नहीं जाने देगी। मेलेनी पक्का इसके पीछे होगी। वो गलत कर रही है। वो बार्बी और केन का ब्रेकअप करवाना चाहती है। प्यार ही जीतना चाहिए। केन किसी भी तरह प्रिजन से बाहर जाना चाहता है। ओहो, पेपर क्लिप, वो इसे लॉक तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दिमाग से काम किया करो, न कि ताकत से। उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, याद है? हे लेगो गाय, यहाँ आओ। वो बिल्डिंग के सामान को मना नहीं कर सकता। बढ़िया लेगो, गुड नाइट और अलविदा बोलो और कभी वापस मत आना। केन बहुत बढ़िया है, वो असली हीरो है। मेलेनी ने उस कपल के लिए खास प्रेजेंट भी बनाया है। प्यार एक चमत्कार होता है। डॉल्स जिंदा हो गए हैं और मेलेनी के साथ उल्टा हुआ। अब वो अपने ही टाउन में फंस गई है। क्या हम उसे बाहर निकाल दें या फिर जो हो रहा है होने दें? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। केन और बार्बी इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बेटी और जेनी की छोटी बहन को फेरी टेल्स बहुत पसंद है। अब वो असलियत और कहानी को अलग नहीं रख सकते और उसकी बड़ी बहनों को ये मजाक लग रहा है। सभी को फेरी टेल प्रिंसेस की इज्जत करनी चाहिए। क्या अभी मेलेनी को जादू से सुपर पावर्स मिल गई है? क्या तुम फेरी टेल में जाना चाहोगे? जेनी नहीं है, बेटी ध्यान दे रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये मेलेनी का टर्फ है। हम बंकमेड में सीक्रेट रूम्स बनाने से शुरू करेंगे। लड़कियों को उम्मीद थी कि उन्हें प्रिंस मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क मत करो। जेनी गाना गा रही है, लेकिन वो गाना गाने में अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इन बहनों के पास एक पैरेट हुआ करता था जिस पर जब तक ब्लैंकेट ना डालो वो चुप नहीं करता था। शायद ये जेनी पर काम कर जाए, नहीं तो हमें उसके मुंह पर टेप लगानी होगी। अब उसके पास कैनोपी बनाने के लिए कपड़ा है। उसका बकवास गाना काम आया।
वाह, ये सुंदर है, बहुत बढ़िया। मेलिनी पूरी तरह अपने कैरेक्टर में आ रही है। वो चाहती है कि उसकी सजावट बर्फ वाली हो। एसी खरीदना आसान है, लेकिन इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। फिर उसे लगा कि बर्फ पिघल सकती है। रोने से कुछ नहीं होगा, तुम इसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ओह, डैड के मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स, ये किसे चाहिए? बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? चलो उसे वापस लाए। ओह, फिश, मुझे जल और चारा दो। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह मॉडर्न फिश, मेलमैन टॉमी यहाँ आ गया है। ओह, ताज़ा यूनिकॉर्न मिल्क, इससे बहुत अच्छा गर्म कोको बनता है। उसे लग रहा था कि ये बढ़िया डील है। बेटी को लेक तो उसने ही बचता, वो दूध नहीं पी सकती। टॉमी के पास उसके लिए कुछ पर्ल्स है, उसने वो अमेज़न से 999 का लिया है। वो बैग को सजाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। उसे बाथरूम में रखना सही रहेगा। लेकिन छोड़ो, अब रूम में से ओशन की खुशबू आ रही है। ये शीशा इंस्टाग्राम के फेरी टेल वर्जन की तरह है। लाइक्स और कमेंट के लिए तैयार हो जाए। वो कार्डिशंस की तरह है, लेकिन उनसे भी बेहतर है। शीशा मत हिलाओ, ये टूट जाएगा। ओप्स, अच्छा हुआ इंस्टाग्राम गिर गया। अब आपको चुनना है कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। नीचे कमेंट करें। चलो आगे बढ़े। जेनी अपनी दीवार पर पेंट करेगी। उसने अपनी ही फेरी टेल नहीं पढ़ी। उसे एप्पल्स, विचेस और 7 छोटे राजाओं से दूर रहना चाहिए और कोशिश करना कि तुम ज्यादा देर तक ना सो। क्या कोई सिर फिराओ से किस करने की कोशिश करेगा? और उसकी बहनें उसका सामान चुराती रहेंगी। जेनी को कोई किस नहीं करने वाला। इसमें से खराब अंडे और ताज़ी मछली की खुशबू आ रही है। मेलिनी को अब अच्छा लग रहा है। तुम्हें फ्रेश होना होगा। ही, आराम से। बहनें फेरी टेल स्मूदी बनाएंगी। वो बात करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ब्लेंडर के साथ तुम्हें उनकी आवाज आ रही है? मेलिनी फिर से फंस गई है। ये बहुत भोली है। उसकी बहनें भूल गई थी कि अब उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो मौसम क्यों नहीं ठीक करती? स्मूदी को चबाना इतना भी बुरा नहीं है। हम ये पी नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे चाट सकते हैं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जेनी को ठंड लग रही है और यहाँ पॉपसिकल का कोई काम नहीं है। ठंड नीचे से आ रही है। ओह, ये मेलिनी के ठंडे खरांटों की वजह से है। हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जेनी ने अपने आप को कंबल में लपेटा और प्लान सोचने लग गई। क्या हो रहा है? बेटी गाना गाकर सेलर्स को बुलाने की कोशिश कर रही है। काश मैं सी के अंदर होती तो मुझे ये सब ना सुनना पड़ता। जेनी के ड्वार्फ्स खो गए हैं, इसलिए उसने उसकी जगह पेपर बनाए। कम से कम ये शांत है। अब वो फिर से सोने की कोशिश कर सकती है। ये सिर्फ 6 ही क्यों है? बेटी फेरी टेल में भी अपनी कस्टमर सर्विस जॉब कर रही है। अब उसे किसी भी तरह कॉलेज के लिए पैसे देने होंगे। मेलिनी ने काफी समय से अपने क्रश से बात नहीं की और उसे उसकी याद आ रही है। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। हेलो, ऊप्स, क्या हुआ? गलती से उसने वीडियो कॉल कर दी। ओह, उसकी बहन ने फिर से उसके साथ मजाक किया। वो उससे फोन पर बात कर सकती थी, लेकिन उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है क्योंकि उसने पहले के पैसे नहीं दिए थे। उसे बहुत याद आ रही है। लोग फियोना के साथ उसकी बराबरी कर रहे हैं। हद हो गई। वो आइस प्रिंसेस है और एक सिंबल है जिससे पता लगता है कि वो फ्रोजन हार्ट है। ओह, श्रेक ने उसे मैसेज किया, मेरा मतलब उसके क्रश ने। माफ करना, भगवान का शुक्र है उसका मैसेज आया। उसका दिल पिघल रहा है। मेलिनी ने डिनर में पाई बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इससे जेनी को किसी की याद आ रही है। हाँ, जहरीले एप्पल्स, तुमने किसी अनजान से खाना क्यों लिया? डॉक्टर को बुलाओ। ओह, ये सो गई। बेटी ने इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहन ली कि उसे इससे नुकसान हो रहा है। उसे उम्मीद है कि ये पकड़ी जाएगी। क्या फिशरमैन को सच में लगता है वो इसे ये दिखाकर पकड़ लेगा? बेटी को कुछ बढ़िया मिलना चाहिए। ये हुई ना बात, वो आइकिया से इस तरह का हेडबोर्ड मंगवाना चाहती थी। ये फिशरमैन बहुत परेशान करता है। ओह, पायरेट। बेटी ने मेलिनी के शूज अपने शूज से मिक्स कर दिए। अजीब है। ओह, कॉइन, ये बढ़िया है, ये अमीर लग रहा है। नहीं, तुम इसके साथ डांस भी नहीं कर सकती। ये बकवास शीशा फिर से खराब हो रहा है। जेनी अपने नकली अकाउंट से अपने लिए अच्छे कमेंट्स लिखेगी। सोशल मीडिया पर ये सब चलता है। ये क्या है? क्या
जेनी मोरमेड नहीं है, ये ठीक नहीं है। बेटी ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। ये यहाँ भी बैचलर मना रहे हैं। बहनों को ये शो पसंद आया। इस सीजन में प्रिंस चार्मिंग अपने लिए सोलमेट ढूंढ रहे हैं। जब से उन्होंने फ्लाई को खाया है, कोई भी उन्हें किस नहीं करना चाहता, इसलिए ये सिंगल है। ये किस लड़की को चुनेगा? बधाई हो जेनी, इसे किस करो, ये बहुत गंदा है। वो इस टेस्ट को कभी नहीं भुला पाएगी। वो उसे बिना रुके मैसेज कर रहा है, ये बहुत परेशान करता है। बेटी ने डूबी हुई शिप से स्टीयरिंग व्हील लिया, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पा रही। वो फंस सकती है। उसे फ्लाइंग डचमैन चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले कि वो और चलाए, उसे एक ड्राइविंग टेस्ट दे देना चाहिए। बेटी बहुत शरारती है। वो अपनी छोटी बहनों की बात नहीं मानेगी। लड़कियों को गुस्सा आ रहा है और भूख भी लग रही है, और भूख की वजह से और गुस्सा आ रहा है। फ्रिज में बस आइसक्रीम और कैरेट्स है। हम स्नोमैन बनाकर उसे खा सकते हैं। नहीं, चलो इंग्रेडिएंट्स को अलग करके खाएं। ग्रेटर कहाँ है? क्या यहाँ कोई भूख है? खाना कहाँ गया? लड़कियाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। पक्का कोई तो है, लेकिन कौन? मेलिनी ने मेरे स्नोमैन आइडिया चुरा लिया। चलो इसे सबक सिखाए। तुम्हें और लोगों का खाना नहीं लेना चाहिए। अगर हम हीट ऑन कर दे तो स्नोमैन उससे दूर भाग गया, बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह। हमारा खाना मत चुराओ। कम से कम इसके पास अभी भी कैरेट है, लेकिन उसकी बड़ी बहन को इसकी ज्यादा जरूरत है। हर तरफ एयर उड़ रहे हैं। ये बेटी के लिए मैसेज है। हार्ट इमोजी, सी इमोजी, लाइट हाउस इमोजी, ये बढ़िया है। किस इमोजी? अनजान लोगों को मैसेज करना खतरनाक हो सकता है। तुम्हें नहीं पता कि वो प्रिंस असली में कौन है? जेनी इससे परेशान हो चुकी है। उसे मैसेज करने की कोशिश करो, ये जल्दी और सेफ है। तुम क्या कर रही हो बेटी? ये बेकार है। हमारे रूम्स तैयार हैं। बहनें देखना चाहती हैं कि किसका रूम बेहतर है। हर किसी को यकीन है कि उसका कमरा बेस्ट है। मेलेनी सबको डरा रही है। दोस्तों, हमें मदद की जरूरत है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको किसका रूम ज्यादा अच्छा लगा। चलो अब देखें कि उनकी चौथी बहन क्या कर रही है। फेरी टेल ब्रेकफास्ट में स्वागत है। प्रिंसेस मॉम खाना नहीं बनाती। मॉली को खाने के लिए खुद ही सोचना होगा। अमीर लोग खाना नहीं बनाते। अब वो अपने डैड से भी मिल सकती है। कोल्ड हार्टेड डैड को बर्फ वाला खाना और मॉली अच्छी लगती है। ये रहा डेजर्ट। ये रही बर्फ। तुम्हारे लिए जमा हुआ पानी बहुत अच्छा है। जितना चाहो खा लो। खाना बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। मॉली मैजिकल वॉक के लिए तैयार हो रही है। मॉम चाहती है कि वो स्कार्फ पहने, लेकिन मॉली ने मना कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। हम यहाँ फेरी टेल के रूल्स मानते हैं। जून में बर्फ? हाँ, क्या तुम भूल गई? हम अलास्का में रहते हैं। फेरी टेल स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क करना होता है। मॉली के पास एडवेंचर पर जाने का बिल्कुल समय नहीं है, तो वो बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन उसकी किस्मत में होमवर्क करना है। उसकी मॉम ने दरवाजों पर बर्फ जमा दी, और दरवाजों के साथ मॉली के सपने भी जम गए हैं। फेरी टेल में होमवर्क कौन करता है? खैर, क्या पता वो होमवर्क खत्म कर दे तो शायद दरवाजा खुल जाए। ये काम नहीं कर रहा। बेसबॉल बैट हमारे काम आ जाएगा। हे मॉली, ध्यान से, मॉम का सिर कोई बॉल नहीं है। दरवाजे दूसरी तरफ खुलते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है। अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं। तुम टैप चालू करके देखो, पानी बिल्कुल आग जैसा गर्म है। मॉम की बर्फ वाली सांसों ने मॉली के हाथों को बचा लिया। अब उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही। शुक्रिया मॉम। प्रिंसेस को भी अपना घर साफ करना होता है। लैंप को ध्यान से उठाना। बहुत देर हो गई। उसने उस जिन्नी को उठा दिया जो बहुत सालों से लैंप में बंद था। मॉली को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। उसे डर लग रहा है, लेकिन उसकी मॉम ने उसे कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाई है। जेनी के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये उसके साथ पहली बार हो रहा है। जितने अच्छे से मॉली ने सेल्फ डिफेंस सीखा है, अगर उतने ही अच्छे से उसने मैथ्स पढ़ी होती तो ऐसा ना होता। ये अजीब है। अब जेनी लैंप से बाहर नहीं आना चाहेगा। मॉली ध्यान दो। उसने मैजिक कारपेट पर ये पूरा गिरा दिया। ये क्या करने वाली है? ओ नहीं, ये नहीं।
ये अजीब सॉल्यूशन है, इस रग से मिट्टी निकाल रही हो। मॉम को काम के लिए उड़ कर जाना होगा। मैजिक कारपेट शुरू नहीं हो रहा। इसे क्या हो गया? शायद इसमें फ्यूल खत्म हो गया है। मॉली अपनी मॉम को उसे स्केटबोर्ड दिलवाने के लिए बोल रही है। ये बहुत खतरनाक है। मॉम के पास बेहतर आइडिया है। मॉली की क्लासमेट उसके कारपेट पर हंस रही है। स्केटबोर्ड बढ़िया है, लेकिन उड़ने वाला कारपेट ज्यादा बढ़िया है। अपने स्केटबोर्ड पर ऐसे करने की कोशिश करो तो उड़ रही हो। ये पक्का फेरी टेल की तरफ से गिफ्ट होगा। इसके अंदर क्या है? रोलर स्केट? सिर्फ एक? दूसरा वाला कहाँ है? ये फेरी टेल शूज के लिए अजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंड्रेला। मॉम डिनर बना रही है। मॉली उनकी मदद करना चाहती है। खाना आ गया। पम्पकिन सूप की क्रीम, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मॉम को ये अच्छा लगा। मॉली को अपने ऊपर गर्व है। एक सेकंड रुको, ये किस तरह का सूप है? ये कैरेज है, पम्पकिन नहीं। अब हम किस पर घूमेंगे? अभी तक हमने इसके पूरे पैसे भी नहीं दिए। प्रिंस अपनी सोल में ढूंढने के लिए अपने किंगडम की हर लड़की को शूज पहनाकर देख रहा है। मॉली के पास मौका है। शू फिट हो गया, उसे अपनी प्रिंसेस मिल गई। अब मॉम के पास कंपटीशन है। जब तक पूरी ताकत खत्म ना हो तब तक डांस करो, लेकिन तुम्हें रात को घर आना होगा, नहीं तो मॉम गुस्सा हो जाएंगी। जल्दी जाना होगा। पहुँच गयी, लेकिन मॉम को अभी भी गुस्सा आ रहा है कि उनकी बेटी पार्टी में गई थी और वो नहीं गई, और उसने वहाँ इतना डांस किया और उसका शूट हो गया। मॉली को भूख लगी है। डिनर लगभग तैयार है। उसकी मॉम बहुत बिजी है, लेकिन मॉली उनकी मदद करेगी। सैलेड तैयार है। मॉम देखो, फेरी टेल प्रिंसेस कभी खुश नहीं होती। उसे सब कुछ पहले जैसा करना होगा। ये सब्जियाँ लव पोशन बनाने के लिए है। फेरी टेल में वीडियो गेम्स भी है और काम भी करने होते हैं। उसकी मॉम एक बुरी सौतेली मॉम की तरह बन रही है, लेकिन मॉली को सफाई करनी होगी। वो प्रिंसेस बनना चाहती है, लेकिन अब वो एक नौकर है। फेरी टेल में बहुत थकावट होती है। ठीक है, ये लिस्ट देखो, सिर्फ 213 और काम है। तुम्हें लगा कि ये फेरी टेल है, अभी तक तुमने कुछ नहीं देखा। चलो देखें मॉम ने और क्या काम बोला है। आखिरकार उसने पेट भर कर खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद उसे बर्तन धोने पड़े, लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्तन है, जैसे कि पूरे बैंकेट के बर्तन हो। ये 7 प्लेट्स कहाँ से आई? ओह, मैं समझ गई, 7 डॉर्स। फेरी टेल्स में कोई जंक फूड नहीं होता। ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और ये बहुत खतरनाक है। बर्गर जहरीले एप्पल से बेहतर है। तुम्हें इससे शुरू करना चाहिए था, ये बढ़िया है। मॉली को अपने आईपैड पर गेम्स खेलना अच्छा लगता है, ये बहुत मजेदार है। बदकिस्मती से इस कहानी में सारे एप्पल्स खतरनाक हैं। मॉम को गुस्सा आ रहा है। हाँ, बुरा हुआ, उसे सन लगाकर लोगों छुपाना होगा। मॉम हर सुबह बर्ड्स को गाना सुनाती है, उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा मॉम को लगता है। लेकिन उन्हें बताने की जगह कि उन्हें गाना अच्छा नहीं लग रहा, वो पेड़ से उड़ जाते हैं। कम से कम और प्रिंसेसेस सच बोल सकती हैं। मॉली अपनी मॉम का साथ देती है ताकि उन्हें बुरा न लगे। सुंदरता ही सब कुछ होती है और मॉली की सुंदरता उसके लिए बहुत मायने रखती है। मॉम का शीशा खास है। वो शीशे में देखने वाले की सुंदरता के बारे में बता सकता है। मॉम का नया हेयर कट उन पर अच्छा नहीं लग रहा और मॉली एप्पल्स खा सकती है। फेरी टेल्स बहुत दिलचस्प होती हैं, लेकिन अब मॉली को नींद आ रही है। उसे कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन तब तक ये सपने में नए एडवेंचर देखेगी। उसकी असली मॉम उसकी सपनों वाली मॉम से बेहतर है। आखिरकार वो मॉली को जहर देने की कोशिश नहीं कर रही है। चलो देखें फेरी टेल मॉली किस चीज का सपना देख रही है।
कोई भी तुम्हारी बात को सच नहीं मानता। और मौली की बहनें हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। लेकिन उसके पास कुछ है जो उनके पास नहीं है। वो छोटी है लेकिन होशियार है, और उसके पास अपनी बहन की परेशानियां खत्म करने के लिए समय नहीं है। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना मनपसंद पार्ट नीचे कमेंट में बताएं।